हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार गुप्ता फ्रॉम कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद। दोस्तों, मैं कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आपके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक है रेडियो इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू क्या होता है? जहां तक कि आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि देयर टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। पहला होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं, जबकि इन केस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग द स्पीकर स्पीक एंड लिसनर्स लिसन। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स। लेकिन जहां तक रेडियो इंटरव्यू की बात है, तो रेडियो इंटरव्यू में हम किसी परिचित व्यक्ति का, एक वेल नोन पर्सन का, के विचार किसी पार्टिकुलर विषय पर जानने की कोशिश करते हैं। ये इंटरव्यू को आप डिफाइन करें तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एज ए सिंपल डेफिनेशन इंटरव्यू शुड एम टू गेटिंग फ्रॉम द इंटरव्यू। इंटरव्यू ही कौन है? जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंटरव्यू ही है, और इंटरव्यूअर कौन है? जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर है। यानी कि अगर आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं तो आप जो होंगे इंटरव्यूअर होंगे, और जिसका इंटरव्यू आप ले रहे हैं वो इंटरव्यू ही है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो कोई भी समाज का विषय है, कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, कोई हॉट टॉपिक है या जनरल टॉपिक है, हम उसके बारे में उस व्यक्ति के विचार जानना चाहते हैं, तब उसे आप क्या करेंगे? आप उसके साथ बातचीत करते हैं, उस बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को आप रेडियो पर ट्रांसमिट करते हैं। ये कहलाता है आपका रेडियो इंटरव्यू। रेडियो इंटरव्यू रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं और रेडियो इंटरव्यू लाइव भी हो सकते हैं। लाइव इंटरव्यू में हम किसी पार्टिकुलर साइट पर जाते हैं या स्टूडियो में इंटरव्यूई को इनवाइट करते हैं और बैठकर बात करते हैं, जिसका सीधा प्रसारण होता है। इस डायरेक्ट टेलीकास्ट के अंदर हमारे पास ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि हम उस बातचीत को एडिट कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होते हैं, वहां आप बहुत सारी बातों को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो अपने विषय में भले ही जानकारी रखता हो, लेकिन जानकारी रखने का मतलब नहीं है कि वो अपने विचारों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो कई बार वो विषय से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको कैसे इंटरव्यू करना होता है? रिकॉर्डेड इंटरव्यू करना होता है। रिकॉर्डेड इंटरव्यू में आप उस व्यक्ति की विल पर, उसकी इंटेंशन पर, उसकी मर्जी से, उसकी कंसेंट के साथ उसमें छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ पार्ट काट के रिमूव कर सकते हैं जरूरत ना हो अगर उसकी। तो ऐसे इंटरव्यू कहलाता है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू। यानी दो तरह के इंटरव्यू हमारे पास हुए, लाइव इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू, और दूसरा हुआ ऑफलाइन और रिकॉर्डेड इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू कितनी तरह के होते हैं? इंटरव्यू बेसिकली जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, जिसका मकसद क्या है कि किसी व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन लेकर लिसनर्स को प्रोवाइड करना। यानी कि हम किसी व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्तियों को सुनाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? हम उसका एक इंटरपर्सनल एक इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज करेंगे। सपोज कीजिए कोई बीमारी चल रही है, आज के केस में कोरोना का केस चल रहा है, आप डॉक्टर्स के विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक प्रोफेशनल है जो इस विषय पर ज्यादा जानकारी रखता है, तो आप उससे बातचीत करते हैं। और जो भी सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आज के जमाने में कोरोना है या कोई और भी विषय हो सकता है, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, वहीं वो विशेषज्ञ है, उसकी बातों को आपको पब्लिक को सुनाना है, तब आप कैसा इंटरव्यू करेंगे? इंफॉर्मेशन इंटरव्यू करेंगे। दूसरे टाइप का इंटरव्यू है इंटरप्रिटेटिव इंटरव्यू, जिसमें आप पूछताछ करते हैं। इंफॉर्मेशन इंटरव्यू एक तरह से वन साइडेड होता है, आप सिंपली इंटरव्यूअर से क्या कहते हैं कि आपके इसके बारे में क्या विचार है, और वो अपने विचार अपने तरीके से आपके सामने रखता है। लेकिन इंटरप्रेटिव इंटरव्यू के अंदर आप उससे पूछताछ करते हैं। वो अगर आपसे ये कहता है कि कोरोना वायरस इस वजह से फैलता है, तो आप उसे फिर पूछते हैं, फिर क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि इस वजह से क्यों नहीं फैलता, वो इसी वजह से ही क्यों फैलता है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो ऐसे इंटरव्यू कहलाता है इंटरप्रेटिव इंटरव्यू। एज आई मेंशन हियर, द इंटरव्यू इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन और टू द कमेंट, यानी जो कमेंट उसने दिया है आप उस पर फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द इंटरव्यू इज इमोशनल इंटरव्यू। इमोशनल इंटरव्यू के अंदर आप किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं जो भावुकता के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे हो सकता है किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो सकता है कोरोना का विक्टिम हो, कोई कोई बीमार हो,
क्रिटिकल कंडीशन में हो, अब आप उससे इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, तो वो इंटरव्यू आपका ना इंटरप्रेटिव होता है ना इन्फॉर्मेशनल होता है, आपको उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उसके विचार जानने होते हैं। तो इस तरीके के इंटरव्यू कहलाते हैं इमोशनल इंटरव्यू। चौथी कैटेगरी एक और भी है, विच इज कॉल्ड एज बॉक्स पॉप्स और बॉक्स पॉपुलर इंटरव्यू। ये लोगों की बात होती है, इसमें आप किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, आप पब्लिक से पूछते हैं किसी क्वेश्चन को और उनके आंसर्स को इकट्ठा करते हैं, ऐसा इंटरव्यू कराता है बॉक्स पॉप्स और बॉक्स पॉपुली इंटरव्यू। नेक्स्ट है कि आप इंटरव्यू कहाँ करें। जब टेलीविजन इंटरव्यू की बात होती है तो वहां वीडियो भी होता है, लेकिन रेडियो इंटरव्यू के अंदर वीडियो नहीं होता, जैसे कि आपको मालूम है इसमें कोई भी आपका इमेज अप्लाई नहीं होती है, ये केवल एक विजुअल मीडियम नहीं है बल्कि ये ऑडिबल मीडियम है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू जिसका लेने वाले हैं उसकी अप्रोच क्या है, वो आप तक आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर वो व्यक्ति आपके पास आ सकता है इंटरव्यू लेने के लिए, तब आप क्या करते हैं, स्टूडियो में इंटरव्यू करते हैं। स्टूडियो इंटरव्यू में एक ड्रॉबैक होता है कि वहां बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती हैं और जो अनाड़ी लोग होते हैं या जो इंटरव्यू देने के आदी नहीं है, रोज इंटरव्यू नहीं देते, वो उन मशीन्स को उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखे कभी कभी घबरा जाते हैं और उनका कंफर्टेबल जोन खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनका इंटरव्यू उनके घर पर ही लेते हैं, ऑन साइट लेते हैं जाकर, यानी कि हम उसके घर जाते हैं और उसे ये फीलिंग कराते हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बेबाकी से अपनी बात कहिए, आप जिस जो भी बात कहना चाहते हैं उसमें कहने में संकोच ना करें। तो लेकिन इसमें एक डिमेरिट है ऐसे इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि किसी के भी घर का माहौल इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं होता, वह आसपास शोर होता है, नॉइज होती है, फैमिली के अदर मेंबर्स की इंटरव्यू नहीं होती है, तो ये सब क्या करते हैं आपके इंटरव्यू की क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। लेकिन एक ही साथ इसी के साथ इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, ऐसे इंटरव्यू की ऑथेंसिटी ज्यादा मानी जाती है। ये मान के चला जाता है कि ये इंटरव्यू देने वाला अपने घर बैठा हुआ था और उसके इंटरव्यू में देते समय किसी भी तरह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ है, जबकि स्टूडियो इंटरव्यू के अंदर ऐसा आप कह सकते हैं कि कई बार वहां के माहौल में आदमी अपनी बातों को अपने तरीके से नहीं रख पाता। तीसरे इंटरव्यू का टाइप है टेलीफोनिक इंटरव्यू। जो लोग कभी कभी कैसा होता है, हमें ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जो इतना बिजी है कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या इतनी जल्दी इंटरव्यू लेना है कि आप उसके पास तक अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियों में आपको उसका इंटरव्यू टेलीफोन पर लेना होता है। लेकिन टेलीफोन के इंटरव्यू में आने वाली आवाज इतनी परफेक्ट नहीं होती, उसमें नॉइज होती है, शोर होता है, एम्बियंस साउंड होती है आसपास की, तो इंटरव्यू की क्वालिटी को डाउन करती है। लेकिन वैरायटी के लिए और अनअवेलेबल पर्सन के लिए आप इस तरीके के इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू लेने की तैयारी में हैं, तो आप कौन कौन सी प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए। देखिए, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल हो, तो उसके सामने आपको कोई ऐसी ऑकवर्ड कंडीशन नहीं आने देनी है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरव्यू के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को रिसर्च कीजिए, जिस टॉपिक का आप इंटरव्यू लेने वाले हैं उन पर्सन को पहचानिए जिनका आपको इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि आपको सवाल एक्स पर्सन से करना था और आप वाई पर्सन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि सही सवालों के जवाब के लिए आपको सही लोगों के पास ही पहुंचना होगा। ओके, अगर कोई वुमेन का इंटरव्यू लेने वाले हैं, मिस्ट्री का आप फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसके लिए किसी फीमेल को ही वहां भेजें, क्योंकि फीमेल जो होती है फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। आप उसके साथ बात करके पहले डेट सेट कीजिए, टाइम सेट कीजिए, इंटरव्यू की लोकेशन सेट कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू की वेन्यू वगैरह फाइनल कीजिए। किसी व्यक्ति से जो पहला संपर्क होता है वो आपको उसके नजदीक लाने में सहायता करता है, तो इस तरीके से उससे बात करें कि वो इंटरव्यू देने के लिए किसी प्रकार का संकोच ना करें। उस व्यक्ति को इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा सा समझा दीजिए कि आपका इंटरव्यू किस तरीके का होने वाला है, यानी कि वो आप इंटरव्यू से किस तरीके के सवाल पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू निष्पक्ष नहीं होगा, आपको केवल ब्रीफ करना है। उसके सवालों के बाद दूसरे सवाल निकल सकते हैं जिसको पूछने में आपको हिचकिचाना नहीं है, उन इंटरव्यू को आपको प्रोफेशनल वे में ही परफॉर्म करना है। अपने सारे के सारे इक्विपमेंट को चेक कर लीजिए इंटरव्यू को जाने से पहले, आपके माइक, बैटरी, रिकॉर्डर, ये सब अप टू डेट होने चाहिए, अप टू मार्क होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू तो कर लें लेकिन जब बाद में आकर देखें तो आपके इंटरव्यू में कुछ रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। ओके, और फाइनल बात यह है कि आप ऐसे प्लेस की चॉइस कीजिए जहां आपका इंटरव्यू
कंफर्टेबल फील करे। तो किसी के मन के विचारों को निकालने के लिए उसका कंफर्ट जोन में होना अत्यंत जरूरी होता है। इंटरव्यू के लिए और क्या तैयारी करनी है, चेकलिस्ट फॉर योर इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू। आपको पहले क्या बनाना है कि चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको इंटरव्यू के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो आपके पास है या नहीं है। ओके, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उस इंटरव्यू में उस व्यक्ति से क्या बात पूछना जाने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, क्लियर एंड शॉर्ट आंसर, जिनके आंसर छोटे हों। और 5W1H जानते होंगे आप लोग, व्हाट आर द 5W1H, मीन हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एटसेट्रा एंड हाउ। नो यस नो नो क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन ना पूछें जिसका आंसर केवल नो या यस में हो। आप कोशिश करें कि आप कम बोलें और आपका इंटरव्यू जो है वो ज्यादा अपनी बात को रख सके। किसी तरीके का डाउट डबल बैरल क्वेश्चन आप ना दें, यानी कि ऐसा क्वेश्चन ना रखें जिसके दो आंसर हो सकते हो। कोशिश कीजिए आपके आंसर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और इंटरव्यू उसका आंसर भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दे सकता हो। कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जिसके अंदर आंसर ही ना हो सकता हो। ओके, और साथ ही साथ जो है आप इंटरव्यूज के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के चलें ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। इक्विपमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सब क्या करना है, पहले अपने इक्विपमेंट चेक करने हैं, अपने साथ हेडफोन माइक्रोफोन लेके जाना है, एक्स्ट्रा टेप लेके जाइए, हो सकता है आपका इंटरव्यू लंबा चले, एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो डिसाइड करके आप चले हैं चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। कई बार ऐसा होता है कि चीजें जैसे हमने प्लान की होती हैं उससे दूसरे तरीके से आगे बढ़ती हैं। अपने टेबल पर टेप्स पर लेबल लगा लीजिए कि आपने इसमें क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। एक स्टिकर होना चाहिए जिस पर आप मेंशन कर सकें कि इसका नंबर क्या है। अगर आप मल्टीपल टेप यूज कर रहे हैं तो सिक्वेंस सेट कर लीजिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ये सब चीजें आपको एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर बनाती हैं और आप किसी तरीके के हैसल में नहीं फंसते हैं। उसके बाद लोकेशन आपको इस तरीके से सेट करनी है कि जहां पर नॉइज ना हो, जहां शोर ना हो, जहां दूसरी तरह की आवाजें ना हो, जहां टेलीफोन की घंटियां ना बजती हो, जहां बेवजह के लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह आपको पिकअप करनी है। टेलीफोन इंटरव्यू के लिए आप ध्यान रखिए कि आपके पास अच्छी क्वालिटी की लाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बात करना शुरू करें आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए, क्योंकि कई बार टेलीफोन इंटरव्यू हम जिन लोगों का करते हैं वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और आपकी कॉल की क्वालिटी खराब होने पर वो इंटरव्यू आपका स्पॉइल हो सकता है। इंटरव्यू के लिए जितने आप तैयार होके गए हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप इंटरव्यू देने वाले को भी तैयार करें। प्रिपेयर द इंटरव्यूई, उसको अपना नाम बताएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताएं, अपनी पोजीशन बताएं कि आप क्या हैं, उसकी लैंग्वेज के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में एक बार कन्फर्म कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसकम्युनिकेशन आपके और उसके बीच में होता रहे। उसे बताएं कि इस इंटरव्यू की लंबाई कितने होने वाली है और इसका विषय क्या है। उससे बातचीत कर ले कि कोई ऐसी अगर आप इमोशनल इंटरव्यू लेने वाले हैं तो आप उसे पहले ही समझा दें कि आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपको अनइजी फील करें, और ऐसी कंडीशन आने पर उसे ऑकवर्ड फील ना होने दें, आप उसको इजी वे में आगे बढ़ाएं। इंटरव्यू देने वालों के ऊपर इंटरव्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक्चुअली हम चीजों को कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि चार तरह के इंटरव्यूज थे, यहां हमने इंटरव्यू को इस बेस पर डिवाइड किया है कि इंटरव्यू देने वाले कौन लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते, उनके अंदर एक हेजिटेशन फैक्टर होता है, उनके पास बातें तो बहुत होती हैं लेकिन उन बातों को वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या पब्लिकली नहीं कह पाते। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते समय आपको उनका विश्वास हासिल करना होता है। आप पहले उनके साथ बातचीत करें, अपने और उसके बीच में एक ट्यूनिंग सेट करें, एक ब्रिज क्रिएट करें, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं। दूसरे पर्सन वो होते हैं जो मोहल्लों में रहते हैं, गली बाजार में रहते हैं, उन पे बोलने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन प्लान वे में कुछ नहीं होता। आप उनसे पूछेंगे कुछ, वो बताएंगे कुछ। तो अगर ऐसे लोगों को आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके साथ इसी माइंड सेटअप के साथ जाएं और उनको ये फील कराएं कि आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के साथ ही दोस्ती करना पसंद नहीं करते या जो हमारे अपने दोस्त होते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन इनसाइडर क्वेश्चन ना हो, उसे ये ना लगे कि आप उसके साथ के संबंधों का फायदा उठा रहे हैं। जब आप इंटरव्यू कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, बाइंडिंग अप द इंटरव्यू, अनाउंस द एंड विथ ए लास्ट क्वेश्चन।
इंटरव्यू को बता दें कि अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, ताकि वो अपनी बची हुई सारी बातों को उस क्वेश्चन के आंसर में समाहित कर सके। अदरवाइज क्या होता है कि इंटरव्यू काफी कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंड फैक्टर होता है, तो हम अपने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से उसकी सारी बातें नहीं सुन पाते या उसे मौका नहीं मिलता। तो ये आपकी ड्यूटी है कि जब इंटरव्यू खत्म होने वाला हो तो आप उसे एक बार बताएं कि ये इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है और उसको अपनी सब बातों को इसमें ब्रीफ करना है, ठीक है। इंटरव्यू के अंत में एक बार उसकी पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन आदि को रिपीट कर लें, ताकि आपको इंटरव्यू को पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। इंटरव्यू के बाद चेक कर लें कि आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें लगता है कि हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया और उस